हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल राहुल में। आज हम बनाने वाले एक बूस्टर, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसकी बॉडी बनाने के लिए फ्रेंड्स हम इस डिब्बे का इस्तेमाल करेंगे जो आपको घर में कभी भी पड़ा हुआ मिल जाएगा। और ये स्विच है, ये हमारे घर पे पुराना पड़ा हुआ था, आप इसे नया भी खरीद सकते हैं, 20-30 रुपए में ये मिल जाएगा। और जो हम छोटा वाला स्विच यूज़ करते हैं मिनी प्रोजेक्ट के लिए, ये भी बड़ा वाला होता है, 220 वोल्ट का होता है, आप इसकी जगह बड़ा वाला भी यूज़ कर सकते हो। आपको बड़ा वाला यूज़ करना है, मतलब कुछ बड़ा वाला इस पे चलाना है जो 230 वोल्ट से बड़ा है, तो आप इसके लिए बड़ा वाला स्विच यूज़ कर सकते हैं। ये छोटा वाला स्विच है, तो हम इस पे इस तरह से कर लेंगे। हम पेन से इस पे बॉडी पे जो हमारा होल्डर है उससे हम ड्रॉ कर लेंगे, और उसे ड्रॉ करने के बाद हम उसे कट कर लेंगे। तो पहले हम इसे अच्छी तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, बाद में हम स्विच की भी ड्रॉ कर लेंगे। तो इसे मैंने इस तरह से कुछ ड्रॉ किया, पूरा ये कॉर्नर के साथ ड्रॉ हो चुका है। अब हम इसकी स्विच भी ड्रॉ कर लेंगे। स्विच हम दोनों साइड से ड्रॉ करेंगे। अब स्विच के एक साइड का हमें ड्रॉ करने की जरूरत, दो साइड का हमें ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं। तो अब हम इसमें से थोड़ी जगह रहेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बाजू की साइड है वो एक्स्ट्रा है, वो बाहर ही अटकनी चाहिए वरना ये पूरा अंदर आ जाएगा, तो इसके लिए हम इसे लगा देंगे। तो जैसा कि मैं अंदर से थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है पोर्शन हम इसमें थोड़ा रहने देंगे, पूरा कट नहीं करेंगे, तो मैं इस तरह से कुछ इसे कर रहा हूँ। तो हमें भी इस तरह से करना है, आपको भी इस तरह से करना है बिल्कुल। तो आप जो मैं हाईलाइट करके दिखाऊंगा वही आपको काटना है। तो पहले हम स्विच का भी कर लेते हैं, स्विच का आपको ज़रा सा काटना है। तो स्विच का भी मैंने ड्रॉ कर लिया, तो आप जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वही हमें कट करना है, वही पोर्शन हमें कट करना है। तो मैंने इस तरह से इसे ड्रॉ कर लिया है, अब हम इसे कट कर देते हैं। तो मैं कट करते वक्त स्किप कर देता हूँ, आप कटर से इसे काट लेना। फ्रेंड्स मैंने इसे कुछ अच्छी तरह से नहीं काटा है, आप इसे पूरा अच्छी तरह से काटना। मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, मेरा कटर ख़राब हो चुका था। अब मैं इसे, ये हम जो प्लग लगा रहे हैं वो हम इस तरह से लगा देंगे। तो हम इसे इस तरह से लगाएंगे कि स्विच इसके बाजू में आ जाए। तो मैं कुछ इस तरह से इसे लगा देता हूँ। अब हम इसके बाजू में स्विच लगाएंगे। तो मैंने इसका कनेक्शन कर दिया है, अब हम इसके बाजू में स्विच भी लगा देते हैं। तो मैंने ये स्विच ले लिया है, सिर्फ 10 रुपये में आपको ये स्विच भी मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो इसे हम इस तरह से लगा देंगे, बहुत ही अच्छे से अंदर घुस जाएगा। तो बहुत ही बाजू बाजू से थोड़ा गैप बच भी चुका है, आप इसमें हॉट ग्लू लगा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसमें हॉट ग्लू लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने कुछ इस तरह से कर लिया है, अब हम इसे वायरिंग कर देते हैं। तो मैंने इस तरह से इसे वायरिंग कर दिया, आपको वायरिंग तो पता होगी, बहुत ही सिंपल वायरिंग है। तो मैं आपको फिर एक बार वायरिंग करके बता दूंगा, थोड़ी देर रुके। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अब हम इस डिब्बे में छेद करेंगे ताकि हमारा वायर इसमें ऐसे अंदर जा सके। तो मैंने इसमें डिब्बे में छेद कर दिया है, अब हम इसे बड़ा वाला छेद करेंगे। ऐसा होता है क्या बड़ा, हम देखते हैं। तो इसके लिए मैं बड़ा वाला स्क्रू ड्राइवर ही यूज़ कर देता हूँ। तो मैंने बड़ा वाला स्क्रू ड्राइवर ले लिया, अब मैं इसे इजीली छोटे के बाद बड़ा आसानी से हो जाएगा, मैंने इसे कर दिया है, आप देख सकते हो। तो हम इसके वायर मैंने जो पहले कनेक्ट किए थे मैं आपको फिर एक बार दिखा देता हूँ, आप जैसा कि देख पा रहे होगे। अब हम इसे एक बार निकाल देंगे, जल्दी से हम इसकी वायरिंग निकाल देते हैं। तो मैंने इसकी वायरिंग निकाल दी है, स्किप कर दिया था। अब आप देख सकते हो मैं ये छेद में से जो हमने छेद बनाया था उसमें से वायर डाल रहा हूँ। तो ये छेद में से वायर डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एक आटा मार देंगे ताकि ये वायर खींचने के वक्त ना निकले और जो हमारा सर्किट है उसमें शॉक सर्किट नहीं हो। तो मैंने इस तरह से इसे बहुत ही मजबूती से आटी मार दी है, आप भी कुछ इस तरह से इस पर आटी मार सकते हो। तो मैंने इसमें आटी मार दी, अब हम इसकी वायरिंग फिर एक बार कनेक्ट कर देते हैं। तो एक वायर आपको जो काला वायर दिख रहा है मैंने वो लगाया है, आपको दिख ही रहा होगा, वो स्विच के एक लेग को और जो हमारे किसी भी लेग में, दोनों में से नीचे वाले दोनों में से किसी भी लेग को आप लगा सकते हो। तो दूसरे वाले लेग में हम हमारा सफ़ेद वायर लगा देंगे एक, और दूसरा वाला सफ़ेद वायर जिसमें है वो हम अपने स्विच पे लगा देंगे। तो मैं इसे इधर कस देता हूँ, बहुत ही आसानी से कस देता हूँ मैं इसे। तो आपको इसे मजबूती से कसना होगा ताकि ये ना निकले खींचने के वक्त। तो हम इसे इस तरह से लगा देते हैं, अब हम इस स्विच को निकाल के इस तरह से इसका वायर हमें इस तरह से अंदर ही लेके लगाना पड़ेगा। तो मैं इस वायर को लगा देता हूँ अच्छी तरह से, इसको आटे मार देता हूँ इस तरह से, इसे कुछ लगा देता हूँ।
बहुत ही अच्छी तरीके से हम इसे लगा देंगे मजबूती से, ताकि ये ना निकले और शॉर्ट सर्किट जैसा कुछ भी ना हो। तो इसे आप स्लीव से भी कवर कर सकते हो ताकि कुछ शॉर्ट सर्किट ना हो। तो मैं इसे ऐसे ही लगा देता हूँ, इतना कोई ख़तरा नहीं है। आप इसमें बड़ा स्विच यूज़ करेगा, मेरे पास वो सब नहीं था इसलिए मैंने छोटा वाला यूज़ किया है। तो मैंने जैसा कि इसे लगा दिया है, अब हम इसे क्लोज कर देते हैं अच्छी तरह से। तो अब इस पे घुमाने से ये अंदर वायर नहीं जाएगा, हमें इसके अंदर वायर डालना पड़ेगा। एक तो आप ढक्कन खोल के अंदर वायर गोल करके डाल सकते हो, या मैं जैसा डाल रहा हूँ वैसा भी आप डाल सकते हो। तो इस तरह से हमारा ये यूज़ में आएगा, काफ़ी आसान है। इससे खींचने से जल्दी से वायर भी निकल जाएगा, कोई अंदर फंसेगा नहीं। तो मैं इसे पूरा डाल देता हूँ, इतना भी मैं इसे नहीं दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें पूरा वायर डाल दिया है, अब मैं इसे खींच के दिखाऊंगा, कभी भी ये नहीं अटकेगा। तो इसे पूरा खींचते वक्त आपको बहुत ही टाइम लग जाएगा और वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए मैंने इसे नहीं किया। तो मैं इसे प्लग इन कर देता हूँ, स्विच ऑन आप तब करेंगे जब हम इसमें अपना जो हम टेस्ट के लिए यूज़ करेंगे वो लगाएंगे। तो टेस्ट के लिए मैं एक चार्जर यूज़ करूँगा और उस पर आपको मोबाइल चार्ज करके दिखाऊँगा। तो इसके लिए मैंने जल्दी से इसे चार्जर लगा देता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, मैं इस चार्जर को प्लग इन कर देता हूँ, प्लग इन करने के बाद हम इसे लगा देंगे। तो मैं इस तरह से कुछ इसे लगा देता हूँ। अभी ये बटन मैंने ऊपर से स्टार्ट नहीं किया तब तक ये चार्ज नहीं होगा। तो पहले मैं इसे बटन ऑन करके देता हूँ। मैंने बटन ऑन कर दिया है फ्रेंड्स, और मैंने ये वाला भी बटन ऑन कर दिया है, आप देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम इसे कुछ इस तरह से चार्ज कर देंगे। तो आप देख नहीं पा रहे होंगे तो कोई फिक्र की बात नहीं, मैं अभी इसे स्विच ऑफ कर देता हूँ। तो जैसा कि मैंने स्विच ऑफ किया है, तो मैं इसे स्विच ऑफ करके अब मैं पूरी तरह से इसे स्विच ऑफ होने के बाद चार्जिंग पे लगा देता। तो मैं इसके स्विच दबा के आपको दिखा देता हूँ, कोई भी स्विच वर्क नहीं कर रहा, मतलब मोबाइल स्विच ऑफ ही है। अब आप देख पा रहे हो कि चार्जिंग नाम आ रहा है, ये बिल्कुल फेक वीडियो नहीं है, मैं असली में आपको दिखा रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए 100% ये चार्जिंग नाम आ रहा है। बस ये मोबाइल फुली चार्ज था, ये फुली चार्ज अभी हो गया है। अब ये मैं इसे अनप्लग, ये बटन बंद करते हैं, ये बोला अनप्लग्ड है। तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनती है फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगती है, एक लाइक कर दीजिएगा प्लीज़।